प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक गणित के 16 सूत्र और उन सूत्रों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैदिक गणित के ये 16 सूत्र वास्तव में शब्द सूत्र हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो आइए एक बार इन 16 सूत्रों के बारे में और इनके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र एक है एकाधिकेन पूर्वेण। जो पहला सूत्र है वह है एकाधिकेन पूर्वेण। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है इनके उच्चारण में, लेकिन जब एक तो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और बड़ा मज़ा आएगा इन सूत्रों को करने में और इनका जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को करने में बहुत मज़ा आपको उसमें आने लगेगा। तो हमारा पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक, पूर्वेण यानी कि पूर्व, पूर्व मतलब पहले वाले से। तो इसके अगर अर्थ की बात करें तो वो है पूर्व या फिर पहले वाले से एक अधिक। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो हमारा पहला सूत्र है जिसका जो है एकाधिकेन पूर्वेण और इसका अर्थ है पूर्व या पहले वाले से एक अधिक, वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 16 सूत्र और उनके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद के जितने भी वीडियो होंगे हम एक एक सूत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सूत्र दो पे। दूसरा सूत्र है निखिलम नहुते चर्मम दष्टे। निखिलम नवतः चर्मम दस्त। अब यहाँ पे देखो, चर्मम, चर्मम मतलब अंतिम, दस्त मतलब दस से। तो अंतिम दस से और निखिलम, निखिलम मतलब बाकी सभी, नवतः यानी कि नौ से। तो इसका जो अर्थ निकल के आता है वो क्या आता है कि सभी नौ से और जो अंतिम है वो दस से। सभी नौ से, अंतिम दस से, ऑल फ्रॉम नाइन एंड लास्ट फ्रॉम टेन। तो ये हो गया हमारे पास सूत्र नंबर दो। आगे बढ़ते हैं सूत्र तीन है हमारे पास ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। सूत्र नंबर तीन है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अर्थ की अगर बात करें तो क्लियर ही है, ऊर्ध्व और तिर्यक। ऊर्ध्व और तिर्यक मतलब क्रॉस एंड वर्टिकल। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो यह हो जाएगा हमारे पास क्रॉस एंड वर्टिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सूत्र चार है हमारे पास, सूत्र है हमारे पास प्रावर्त्य योज्येत। प्रावर्त्य योज्येत अर्थ की अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो पक्षांतरण तथा अनुप्रयोग। हिंदी अर्थ की अगर हम बात करें तो ये हो गया पक्षांतरण तथा अनुप्रयोग या फिर पक्षांतरण और अनुप्रयोग। और इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रांसपोज एंड अप्लाई या एडजस्ट भी कह सकते हैं। तो ट्रांसपोज एंड अप्लाई या फिर ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। तो ये हो गया हमारे पास सूत्र चार। पांचवें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पांचवा सूत्र है हमारा वो है शून्यम साम्य समुच्चय। शून्यम साम्य समुच्चय
तो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ है कि जब समुच्चय एक समान है तब उस समुच्चय का मान शून्य होता है, कि जब समुच्चय एक समान है तब उस समुच्चय का जो मान है वो शून्य होता है। When the, इंग्लिश की बात करें, अगर when the समुच्चय इज द सेम देन द समुच्चय इज जीरो, या फिर दैट इज इट शुड बी इक्वेटेड टू जीरो, तो इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम एक जो वैदिक गणित के 16 सूत्र है उसकी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सूत्रों के बारे में, सूत्र का उच्चारण और सूत्रों का हिंदी अर्थ और इंग्लिश में अर्थ जान रहे हैं। आगे के जितने भी लेक्चर होंगे हम वन बाय वन जो सूत्र है इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूत्र 6 की, तो सूत्र 6 है हमारे पास अनुरूपीय शून्यमंत्य, या फिर सीधा ही आप इसको शून्यमंत्य कह सकते हैं। शून्य मतलब शून्य, अंत मतलब जो अंतिम है, जो दूसरा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। अनुरूपीय, अनुरूपीय मतलब अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। शून्यमंत्य, शून्यमंत्य यानी कि शून्यम यानी कि जीरो, अंत अंतिम या दूसरा, उस सेंस में बात हो रही है। तो अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि यदि एक अनुपात में हो तो दूसरा शून्य है, यदि एक अनुपात में हो तो दूसरा शून्य है। इंग्लिश की बात करें अगर इफ़ वन इज़ इन रेशियो देन अदर इज ज़ीरो, तो ये हो गया हमारे पास सूत्र 6। आगे बढ़ते हैं सूत्र 7 की तरफ। तो सूत्र 7 में कहा गया है संकलन व्याकलनाभ्याम, संकलन व्याकलनाभ्याम, संकलन मतलब जोड़, व्याकलन मतलब घटा, तो हिंदी अर्थ हुआ जोड़ने तथा घटाने द्वारा, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हमारे पास सूत्र 7। आगे बढ़ते हैं सूत्र 8 की तरफ। सूत्र 8 है हमारे पास पूर्ण अपूर्णाभ्याम। देखो आपको जब ये संस्कृत के शब्द हैं थोड़ा सा इनका जो संधि विच्छेद है आपके दिमाग में वो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको उच्चारण करें हम इसका, तो पूर्ण अपूर्णाभ्याम, यानी कि पूर्ण की भी बात हो रही है और अपूर्ण की भी बात हो रही है। तो पूर्ण अपूर्णाभ्याम मीन्स हिंदी अर्थ की बात करें पूर्ण या अपूर्ण यानी कि बिना पूर्ण, जो पूरा नहीं है करने से, या फिर अगर हम इंग्लिश में बात करें बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन, कंप्लीशन यानी कि पूर्ण से या फिर अपूर्ण से। तो ये हो गया हमारे पास सूत्र नंबर 8। ठीक इसी तरह से सूत्र नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो सूत्र नंबर 9 है हमारे पास चलन कलनाभ्याम, चलन कलनाभ्याम। अर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका अर्थ है अवकलन की क्रियाओं द्वारा, यानी कि डेरिवेटिव डिफरेंशियल्स में, डिफरेंशियल कैलकुलेशन में किस तरह से हम वैदिक गणित के सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो बाय डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट सूत्र 10 की अगर हम बात करें, तो सूत्र 10 है हमारे पास यावदूनम, हिंदी अर्थ है इसका जितने का विचलन, विचलन मतलब कमी है या फिर ज़्यादा है। विचलन मतलब अगर कोई बेस है, मान लो 100 से बेस है, 100 हमारे पास बेस है, तो अगर हम 97 की बात करें तो ये 100 से 3 कम है, और अगर 103 की बात करें तो ये 100 से 3 ज़्यादा है। तो जितने का विचलन है, जितने की कमी है, बाय द डेफिशिएंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूत्र 11 की, तो सूत्र 11 है व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि मतलब एकल और समष्टि मतलब समूह। तो अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हुआ एकल और समूह, और इंग्लिश अर्थ की अगर हम बात करें
स्पेसिफिक एंड जनरल। नेक्स्ट सूत्र 12 की अगर हम बात करें, सूत्र 12 है हमारे पास, शेष अंकेन चरमेन, शेष अंक की बात कर रहे हैं, चरमेन यानी कि अंतिम की बात हो रही है। तो अगर इसके हिंदी अर्थ की अगर हम बात करें तो अवशेष को अंतिम अंक के द्वारा, अवशेष मतलब शेष, रिमाइंडर। तो इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो ये है द रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें सूत्र नंबर 13 की, तो सूत्र नंबर 13 है हमारे पास सोपानंत्य दव्यम अंतम, सोपानंत्य दव्यम अंतम। तो इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो अंतिम तथा उपअंतिम, उपअंतिम मतलब सेकंड लास्ट, का दुगना, अंतिम तथा उपअंतिम का दुगना। तो इंग्लिश मीनिंग की अगर बात करें द अल्टीमेट लास्ट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, तो अंतिम और उपअंतिम का दुगना। तो आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 14 की तरफ, एक बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र। इसमें कहा गया है एक न्यूनेन पूर्वेण, देखो यहां पे यह है एक न्यूनेन, एक न्यूनेन मतलब एक कम, पूर्वेण, पूर्वेण मतलब पहले वाले में से। तो अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो पूर्व वाले से एक कम द्वारा, या पूर्व वाले से एक कम। इंग्लिश की अगर बात करें हम तो बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन। तो ये हो गया हमारे पास सूत्र 14, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक सूत्र है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूत्र 15 की, तो सूत्र 15 है हमारे पास गुणित समुच्चय। तो हिंदी अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ है योग की गुना, और इंग्लिश में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द फैक्टर्स, द होल प्रोडक्ट। तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम सूत्र 16 की, तो ये है हमारे पास गुणक समुच्चय। हिंदी अर्थ की अगर बात करें हम तो ये है सभी गुणक, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ऑल मल्टीपल या सेट ऑफ मल्टीपल्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे पास वैदिक गणित के जो 16 सूत्र, उनका उच्चारण, उनका हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थ है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा है। अब इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें हम एक एक सूत्र के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, कि जानेंगे कि किस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग अर्थमेटिक और एलजेब्रा में किया जा सकता है, कितनी आसानी से अर्थमेटिक और एलजेब्रा की जो कैलकुलेशन है उनको हम बहुत ही कम समय में बहुत फास्ट तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।